Amazon Prime की पंचायत और पंचायत 2 की जबरदस्त सफलता के बाद पंचायत 3 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीजन 2 में भी जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुवीर यादव, चंदन रॉय, फैजल मलिक जैसे किरदारों ने दमदार काम किया है। पंचायत में लोगों के हंसी के फुहारों के साथ ह्यूमर ड्रामा और इमोशन भी मिला। साल 2020 में इसका पहला सीजन है और इसके 2 साल बाद यानी साल 2022 में इसका दूसरा सीजन है। वहीं अब इसका तीसरा सीजन ट्विस्ट के साथ आने वाला है। अपने शानदार डायलॉग से सजी पंचायत 2 के बाद आप भी पंचायत 3 का इंतजार कर रहे हैं तो खबर आपके लिए है। पंचायत की कहानी के सेंटर रहे फुलेरा गांव में अब एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हाल ही में अमेजॉन प्राइम के इवेंट में पंचायत 3 की एक खास झलक देखने को मिली। इसमें कहानी के प्लॉट में एक बड़े ट्विस्ट का हिंट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नए सीजन में मेकर्स बड़ा ट्विस्ट लाने वाले हैं। सीजन 3 में सचिव जी यानी अभिषेक त्रिपाठी उर्फ जितेंद्र कुमार का ट्रांसफर एक अलग गाँव में कर दिया जाएगा। फुलेरा गांव के नए पंचायत सचिव की जगह गजब बेइज्जती है फेम गणेश का किरदार निभाने वाले आसिफ खान लेंगे। पंचायत के पहले सीजन का डायलॉग गजब बेइज्जती है काफी पॉपुलर हुआ था और इस पर मीम्स भी बने। इस मीम को लोग आसिफ खान द्वारा शो में निभाए गए गणेश के आइकॉनिक किरदार से रिलेट करते हैं। हालांकि शो में उन्होंने डायलॉग नहीं बोला था। आपको बता दें कि पहले सीजन में गणेश कैमियो रोल में था जो अभिषेक त्रिपाठी से झगड़ा कर लेता है। सीजन 1 में गणेश ने दूल्हे का रोल निभाया था। उसकी शादी फुलेरा गांव निवासी परमेश्वर की बेटी रवीना से हुई थी। शादी के दिन उससे काफ़ी शिकायतें रहती हैं। पंचायत सीजन 3 के टीजर में दिखाया गया है कि फुलेरा गांव की जनता के फेवरेट सचिव जी अभिषेक का ट्रांसफर एक अलग गांव में कर दिया गया है। इस बीच गणेश फुलेरा में ग्राम पंचायत सचिव बनकर आते हैं। गणेश की शादी फुलेरा निवासी परमेश्वर उर्फ श्रीकांत वर्मा की बेटी रवीना से हुई है, लेकिन इस दौरान उसे काफ़ी शिकायतें हैं। अब शो में सरपंच मंजू देवी, नीना गुप्ता अपने पति ब्रजभूषण दुबे यानी रघुवीर यादव, प्रहलाद फैसल मलिक और विकास चंदन रॉय के साथ गणेश का इक्वेशन कैसा बैठता है ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा।